हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चंस का आंसर नहीं आने पर यह ट्रिक लगा देना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक बताएंगे कि अगर आपको इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या ट्रिक लगाना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखते हैं और जो ट्रिक मैं बताऊँगा उस ट्रिक को फॉलो करते हैं और इंग्लिश का पेपर करके आते हैं, तो इतना गारंटी है कि अब की बार जो है कि इंग्लिश के पेपर में 90% से भी ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इंग्लिश के पेपर में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या ट्रिक आपको लगाना है, किस ट्रिक से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला जो काम आपको करना है वह यह करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है या पता करना है कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, क्या चीज आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम यही है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद दूसरा काम यही करना है कि संबंधित टॉपिक के बारे में सोचें। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में वह पूछा गया है उसके बारे में आप थोड़ा सा विचार करें और देखें कि यह किससे संबंधित टॉपिक है, किस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, और वहां पर जो है कि क्या चीजें यह पूछ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें और उसके बारे में आप सोचें। और उसके बाद क्या करें, तीसरा ट्रिक आप यह लगाइए कि क्वेश्चन के आसपास की चीजें लिखें। जी हाँ दोस्तों, जिस बारे में वह पूछा गया है उस बारे में सबसे पहले आप सोच लें, और उसके बारे में पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है तो उसके आसपास की जो चीजें हैं वह आप लिख करके आइए। जी हाँ दोस्तों, जो उसके आसपास की चीजें हैं, उसके आसपास के जो क्वेश्चन हैं उसके आप जो है कि आंसर लिख करके आइए। तो ऐसा काम आपको करना है। और उसके बाद जो चौथा काम वह है, हेडिंग नहीं डालना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में जो कि आपको नहीं आ रहे हैं, आप आसपास की चीजों को लिख रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस में आपको हेडिंग नहीं डालनी है, क्योंकि हेडिंग डालने से क्या होता है कि एग्जामिनर की नजर तुरंत जो है कि हेडिंग पर पड़ती है और जो है कि वह पढ़ लेता है कि आपने किस बारे में लिखा है। तो आपने इधर उधर की चीजें लिखा, आसपास की चीजें लिखा है, तो वहां पर आपके नंबर तुरंत काट देता है। तो इसलिए आपको हेडिंग नहीं डालना है, आपको जो है कि सबसे पहला काम यही है कि संबंधित टॉपिक के बारे में सोचना है, आसपास की चीजों को आपको लिख करके आना है, इधर उधर की चीजें मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा काम करते हैं कि वह जो है कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसमें गाना लिख करके चले आते हैं, किसी मूवी की स्टोरी लिख के चले आते हैं। तो यह सब काम आपको नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर उससे रिलेटेड ही चीजें लिखनी है, इधर उधर की चीजें नहीं लिखने हैं, क्योंकि इधर उधर की चीजें लिखेंगे तो एग्जामिनर तुरंत देखते समझ जाएगा कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप जो है कि उससे संबंधित चीजों के बारे में लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने तैयारी की है लेकिन इस प्रश्न का जो है कि आंसर नहीं आ रहा था, तब भी जो है कि आपने देने की कोशिश की है आंसर, तो इसलिए जो है कि वह आपको नंबर दे देता है। अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पर एक नंबर या डेढ़ नंबर आपको दे देता है। तो यह काम आपको करना है, यह ट्रिक अपनानी है। अगर आपको इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, अगर आप यह ट्रिक अपनाते हैं तो जरूर गारंटी है कि आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे, इंग्लिश के पेपर को जरूर पास करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।